भोजन आ गया है और सभी बंदर धीरे धीरे पास आने लगे हैं। ये देखिए आनी भीड़ शुरू हो गई, पूरा मेला धीरे धीरे सारा रेला उतर आएगा। और देखिए मैं इस वीडियो को जितनी दूर से बनाऊंगा उतना ही बेहतर बनेगा और ये मंकी ब्लॉग्स में सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नज़दीक करके अगर जूम करके बनाऊँगा तो उसमें जो है मैं ज़्यादा बंदरों को कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। ये देखिए बीच बीच में ये लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, इनकी लड़ाइयाँ सबसे ख़तरनाक होती हैं और मुझे इनसे बहुत डर लगता है, इस वजह से मैं इनसे दूर ही रहता हूँ। इसी वजह से जो भी केले आते हैं वो अंकल ही खिलाएं, ज़्यादा बेहतर। आप देखिए मैं यहाँ से कोशिश करूँगा दिखाने की, ऐसी ठंड में अगर इन्हें कुछ खाने को मिल जाए इनकी कैलोरीज बढ़ जाती है शरीर में और इनके ज़िंदा रहने की उम्मीदें बनी रहती हैं, क्योंकि भूख सभी को लगती है और इनके पास भी पेट है। सृष्टि का हर एक कोना भगवान के सहारे है, तो इनकी भूख भी भगवान के सहारे है। हम और आप इनके लिए कभी कुछ नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये अगर कोई मन में ख्याल ले आए कि हम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। जिसने पेट दिया है वो खाने को भी देता है, इनको देख करके ये बात समझ में आती है। ये देखिए लगे पड़े हैं अपना अपना हिस्सा लेने में। ये देखिए देखें आप कितने सारे बंदर, तो देखिए वहाँ ऊपर बैठ के भी खा रहे हैं। देखिए जिनको नहीं मिल रहा है वो वहाँ से ज़ोर से आवाज़ निकाल के इशारा करते हैं। इनके परिवार में एकता बहुत होती है लेकिन लड़ाइयाँ भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। इनकी लड़ाइयाँ अद्भुत होती हैं, एकदम जख्मी करने वाली। अगर आपको किसी का घाव नज़र आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो लड़ाई के दौरान ही मिला है। काफ़ी देर से परेशान थे, बहुत देर से आवाज़ें कर करके बुला रहे थे, देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि आज कुछ खाने को मिलेगा। इनको बहुत ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पूरे जंगल में पेड़ों पर बैठे रहते हैं और दूर से ही देख लेते हैं। इनका पूरा दिन अपने भोजन का इंतज़ाम करने में, भोजन जुटाने में ही चला जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं और इनके गले में थैली होती है जिसमें स्टोर करके रख लेते हैं और पूरे दिन भर धीरे धीरे उसको निकाल के खाते रहते हैं। चलिए कैच देखिए कितना अच्छा पकड़ते हैं, कैच देखिए कितना अच्छा पकड़ते हैं। इसको देखिए दांत दिखा रहा है, लगता है किसी बात से खफा है। ओ इसे क्या हुआ, लगता है दूसरे झुंड का बंदर है, इसी वजह से गुस्सा आ रहा है इस पर। लड़ाई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, माहौल ठंडा बना रहे। ये देखिए इसके माथे पे जो चोट दिखाई दे रही है वो सब लड़ाई के दौरान है। ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँगा, ये देखिए चोट के निशान देखिए काफ़ी ख़तरनाक। ये कितने शानदार तरीके से छीलते हैं। ओहो ये तो यहाँ पे कुंफू करने पे लगा हुआ है। ये देखिए पूरा मार्शल आर्ट्स का सीन दिखाई दे रहा है, बेहतर अद्भुत। ये देखिए दोनों पैर टेक के शानदार तरीके से, कितने शानदार तरीके से केले को खा रहा है। मैं जाने ये क्यों चिल्ला रहा है। लगता है कोई दूसरे झुंड का बंदर बीच है इनके। कैच छोड़ा इसने, अभी तो मार्शल आर्ट्स दिखा रहा था। ये इसको तो दो मिल गए, एक में होना भी क्या है। ये क्या शानदार कैच पकड़ा इसने, तो इसका छूट गया, छोड़ा और ये पकड़ा। ये छोटू को मिल गया, और छोटू को मिल गया, अब लेके चढ़ने वाला है। अरे 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 उसको भी मिला। लड़ाई बहुत जल्दी कर लेते हैं, लड़ाई के आसार बहुत जल्दी बन जाते हैं। हालांकि इनके परिवार में एकता भी बहुत होती है, अगर किसी बच्चे पे आँच आई तो पूरे दूसरे झुंड के बंदर भी एक हो जाते हैं। ये एक माँ है, इसका बच्चा उससे चिपका हुआ है, इसी वजह से उसे दो केले दिए गए हैं।
से अगर इसका बच्चा अपना चेहरा दिखाए तो मैं तुरंत इसका फ़ोटो क्लिक करूँगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दूँगा। थोड़ी देर के लिए बच्चा अलग हुआ, ये देखिए ये तुरंत जाके चिपक गया अपनी माँ से। ये अद्भुत नज़ारे रोज़ देखने को नहीं मिला करते। कितने प्यार से ले लेते हैं जब डेली किसी को आप ही के हाथ से भोजन मिलने लगे, जबकि इनको हिंसक रूप भी बहुत जल्दी लेते हैं। तो बर्डकट से निकाल के खा रहा, कह रहा है मैं तो इसी से लेके खाऊंगा। ले 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 ले, ये दोनों जुटे पड़े हैं। वो देखिए बकेट में जाके ही बैठ गया, बकेट में जाके ही बैठ गया, ये तो बकेट के अंदर ही जाके बैठ गया, कह रहा है मैं तो इसी के अंदर से लेके खाऊंगा। और इसी के साथ इनकी शुद्धा शांत हुई। और आज के ब्लॉग में देखा आपने कितने बड़े बड़े कैचेस पकड़े इन लोगों ने। लड़ने लगे, अचानक लड़ने लगते दोनों भाई भाई लड़ने लगे। चलिए आज की पेट पूजा तो इनकी हो गई, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। अलविदा दोस्तों।